नमस्कार, मैं हूँ बलराम सरवार। आप देख रहे हैं केआर न्यूज। आप हमसे जुड़े, हम आपको कराएंगे समाचारों से रूबरू। मधुबनी कोरोना संक्रमण खबर अपडेट। आइए आपको मधुबनी जिले के दिन भर के कोविड 19 अपडेट की खबर से कराते हैं रूबरू। गुरुग्राम से मधुबनी स्टेशन पहुंची पहली श्रमिक एक्सप्रेस। DM SP अपर समाहर्ता, DDC DTO SDO DSP ने किया श्रमिकों का स्वागत। मधुबनी जिले के 668 प्रवासी थे, सभी को भेजा गया बस से उनके अपने अपने प्रखंडों तक। सभी को फूड पैकेट, पानी का बोतल, फेस मास्क, साबुन किट का किया गया वितरण। 13 मई तक कुल 1223 सैंपल की हुई जांच, जिसमें 214 केस पाए गए हैं निगेटिव। जिले में अभी तक कुल 31 केस पाए गए हैं पॉजिटिव, 178 की रिपोर्ट अभी है पेंडिंग। SKMCH मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मधुबनी जिले के मधुबापुर प्रखंड के एक पुरुष को कोरोना पॉजिटिव प्रतिवेदित किया गया है। मधुबापुर प्रखंड के मुखिया पट्टी को एपी सेंटर घोषित करते हुए इसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। DM ने जिला के सभी प्रखंडों के बड़े पदाधिकारियों को अपने अपने प्रखंडों में बने क्वारंटाइन सेंटर का भ्रमण करने का दिया निर्देश। अब सुनिए खबर विस्तार से। गुरुग्राम से मधुबनी स्टेशन पहुंची पहली श्रमिक एक्सप्रेस। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, अपर समाहर्ता, DDC DTO SDO DSP ने मधुबनी रेलवे स्टेशन पर किया श्रमिकों का स्वागत। आपको बता दें, गुरुग्राम से मधुबनी पहुंची गाड़ी संख्या 4048 श्रमिक स्पेशल ट्रेन दोपहर करीब 12:20 पर मधुबनी स्टेशन पहुंची। ट्रेन से आए प्रवासियों की अगुवाई डॉक्टर नीलेश रामचंद देवरे, जिला पदाधिकारी मधुबनी, पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्य प्रकाश, प्रशिक्षु IAS प्रीति, सिविल सर्जन, अपर समाहर्ता अवधेश राम, अजय कुमार सिंह उप विकास आयुक्त, सुशील कुमार जिला परिवहन पदाधिकारी, सुनील कुमार सिंह SDO, कामनी बाला SDPO सदर, शैलेंद्र कुमार जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, बुद्ध प्रकाश जिला आपदा प्रभारी द्वारा किया गया। ट्रेन से कुल 1600 यात्री प्रवासी आए थे, जिनमें मधुबनी जिले के 668 प्रवासी, दरभंगा के 205, मुजफ्फरपुर के 185, सुपौल के 155, सीतामढ़ी के 145, पूर्वी चंपारण के 132 तथा शिवहर के 110 प्रवासी थे। प्रवासियों को उनके संबंधित जिला तथा मधुबनी जिला के प्रवासियों को उनके प्रखंडों में पहुंचाने के लिए 50 बसों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। प्रवासियों की स्कैनिंग हेतु चिकित्सकों की 26 टीमें स्टेशन पर मौजूद थी। प्रत्येक प्रवासी यात्री की स्क्रीनिंग के पश्चात उनको खाने की व्यवस्था की गई थी। जिला पदाधिकारी एवं SP ने सभी यात्रियों को फूड पैकेट, पानी का बोतल, फेस मास्क, साबुन किट का वितरण किया। इस दौरान यात्रियों प्रवासियों को ट्रेन से उतरने तथा बसों में बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। जिला के प्रवासियों को सभी प्रखंडों के क्वारंटाइन सेंटर पर 14 दिन रखने की व्यवस्था पूर्व से किया हुआ है। 13 मई तक कुल 1223 सैंपल की हुई जांच, जिसमें अभी तक 1014 केस निगेटिव पाए गए हैं। अभी तक जिले में 31 केस है पॉजिटिव, 178 की रिपोर्ट अभी पेंडिंग। SKMCH मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिले के मधुबापुर प्रखंड के एक पुरुष को कोरोना से संक्रमित प्रतिवेदित किया गया है। मधुबापुर प्रखंड के संबंधित गाँव पंचायत से कोविड-19 का मामला संपुष्ट पाए जाने के कारण इसके अन्यत्र प्रादुर्भाव को रोकने हेतु संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा घोषित किया गया। जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्रवाई का दैनिक प्रतिवेदन सौसमय भेजने का भी निर्देश दिया गया। DM ने जिला के सभी प्रखंडों के बड़े पदाधिकारी को अपने अपने प्रखंड क्षेत्र में बने क्वारंटाइन सेंटर का भ्रमण करने का निर्देश दिया है।
साथ ही सभी क्वारंटाइन केंद्र पर रह रहे लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं का भी जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने अपने प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर पर शारीरिक प्रशिक्षक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करते हुए नियमित योग्याभ्यास कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन व्यक्तियों का 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में हो गया है उन्हें 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने हेतु भेजने की कार्रवाई करें। प्रखंडों में जहां कोविड-19 का सैंपल लिया जाता है उसके लिए हेल्थ क्वारंटाइन बनाए जाने का भी निर्देश दिया। इधर जिला संघ के निर्देश पर आयुष चिकित्सकों ने अपनी मांगों के समर्थन में 8वें दिन काला बिल्ला लगाकर किया काम। आपको क्या न्यूज मधुबनी जिले के कोविड-19 के जिले भर की खबरों से रोज करा रहा है रूबरू। यदि आपको चैनल का समाचार अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला। धन्यवाद।